गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक एंड द चैप्टर नेम इज टाइम फ्रेम एंड सोर्सेस। सबसे पहले हम लोग क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टाइम फ्रेम और फिर हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में बताया गया है। द स्टडी ऑफ द पास्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन मैन इमर्ज्ड ऑन द अर्थ। पास्ट की जो स्टडी है, मतलब हिस्ट्री की जो स्टडी है, वो उस समय से स्टार्ट होती है जब मैन अर्थ पे इमर्ज्ड हुआ था, यानी जो मनुष्य है वो पृथ्वी पे सबसे पहले जब आए थे उस समय से हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। द हिस्ट्री ऑफ मैन कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड पीरियड्स। जो हिस्ट्री है उसे थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ईच ऑफ दिस पीरियड्स कवर्ड सेवरल सेंचुरीज। हर पीरियड्स में कई सेंचुरीज शामिल हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इंडिया इन द मीडिएवल पीरियड। इस चैप्टर में हम लोग मीडिएवल पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग को क्लास सिक्स में पढ़ना था। ये क्लास सिक्स का सिलेबस एंशियंट हिस्ट्री कवर करता है, क्लास सेवेंथ जो है मीडिएवल हिस्ट्री के लिए है और क्लास एट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आपको सेवेंथ क्लास में क्या पढ़ना है, मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग पहले मीडिएवल पीरियड को समझ लेते हैं कि मीडिएवल पीरियड हिस्ट्री में कब से कब तक जो है कवर करता है, मतलब हिस्ट्री के मीडिएवल पीरियड में हम लोगों को किस सेंचुरी से किस सेंचुरी तक के हिस्ट्री को स्टडी करना है। ये देखिए, द वर्ड मीडिएवल मीन्स द मिडिल। मीडिएवल का मतलब ही होता है मिडिल। सो दिस पीरियड लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री का हमने मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिडिवल जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। ठीक है, वो एंशियंट और मॉडर्न पीरियड्स के मिडिल में है, इसलिए इसको मिडिवल नाम दिया गया है। इन इंडिया दिस पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द एट्थ सेंचुरी टू द एटीन सेंचुरी। मिडिवल पीरियड में स्टूडेंट्स हम लोग एट्थ सेंचुरी से एटीन सेंचुरी तक के इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। दिस पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स। फिर मिडिवल हिस्ट्री को फिर से टू पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द लेट मिडिवल पीरियड। ये आप देख सकते हैं, ये मिडिवल पीरियड है ना, तो ये एट्थ सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपका यहाँ पे एट्थ सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है, 700 AD मीन्स एट्थ सेंचुरी, और इंड कहाँ पे हो रहा है, एटीन सेंचुरी में। ठीक है, और फिर यहाँ से डिवाइड किया गया, इसको बीच से डिवाइड किया गया है अर्ली मेडिएवल पीरियड, यानी 13 सेंचुरी से बिफोर का जो पीरियड्स है, मीन्स 8 to 13 अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड 13 to 18 सेंचुरी लेट मेडिवल पीरियड। ये देखिए, द अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 13th सेंचुरी। अर्ली मेडिवल पीरियड जो है इसमें हम लोग 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक की इवेंट्स को स्टडी करते हैं। द पाल्स, द प्रतिहार्स, द राष्ट्रकूटस, चोल्स एंड राजपूत्स वेयर पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में हम लोग इन सारे डायनेस्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन कौन थे जो अर्ली मेडिवल पीरियड में रूल किए थे, ऐसे कौन कौन से डायनेस्टीज थे, तो हम फिर से रिपीट करते हैं, द पाल्स, द प्रतिहार्स, द राष्ट्रकूटस, द चोल्स एंड राजपूत्स। ठीक है, दिस पीरियड इज सेंटर्ड ऑन पावर स्ट्रगल अमॉन्ग रीजनल किंगडम्स ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया विच लीड टू अ फ्रेंक्वेट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स। इस पीरियड में
बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल हुआ, मतलब जितने भी डायनेस्टीज थे वो अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए रेगुलर जो है अपने स्ट्रगल करते रहे, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में ऐसा होता रहा, साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी जितने भी जो है डायनेस्टीज थे वो अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए रेगुलर स्ट्रगल करते रहे, बराबर वार्स होते रहे, युद्ध होते रहे, है ना, जिसकी वजह से फ्रेक्वेंट राइज एंड फॉल जो है किंगडम्स के बीच होता रहा। अब हम लोग बात करते हैं लेट मेडिवल पीरियड का। द लेट मेडिवल पीरियड स्ट्रेस्ड फ्रॉम द 13th to 18th century, ये स्टार्ट होता है 13th century से और एंड कहाँ तक जाकर होता है 18th century तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर अ नंबर ऑफ इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय मुस्लिम। इस पीरियड में सेंट्रल एशिया से कई सारे मुस्लिम्स का जो है हमला इंडिया पे हुआ, जिसमें कौन कौन थे, द तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स, ये सब सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया पर इन्होंने क्या किया, हमला किया। दीज इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मीन्स हमला करने वाले, ठीक है। दीज इन्वेडर्स कंक्वर्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और इन इन्वेडर्स ने इंडिया के एक बड़े से पार्ट को क्या कर लिया, कंक्वर्ड कर लिया, मीन्स जीत लिया। अंडर देयर रीन द इस्लामिक कस्टम्स इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। और इनके रीन में, क्योंकि ये मुस्लिम थे है ना, इनका जो रिलीजन था वो क्या था, इस्लाम था, तो उनके कस्टम्स, उनके जो ट्रेडिशंस थे, उनका इन्फ्लुएंस, उनका असर, प्रभाव जो है इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ पे भी पड़ा। ऑब्वियसली ऐसा होना ही है, जब वहाँ से यानी जो सेंट्रल एशिया से जो मुस्लिम्स आए तो उनका जो कल्चर था, उनका जो रिलीजन था, उसका असर, कुछ प्रभाव इंडिया के कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ पे पड़ा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी। द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री लाइक इट्स माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस इट्स हिस्ट्री। इंडिया हमारे देश का जो, या किसी भी कंट्री का जो फिजिकल फीचर्स होता है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका भी प्रभाव हिस्ट्री पे पड़ता है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट नोइंग इट्स ज्योग्राफी। किसी भी कंट्री के हिस्ट्री को जानने के लिए उसके ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसकी ज्योग्राफी यानी उसका जो फिजिकल फीचर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री के स्टडी के लिए। इंडिया इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 5 ज्योग्राफिकल डिविजन्स। इंडिया को 5 ज्योग्राफिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। द हिमालयाज, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, द थार डिजर्ट, द डेकन प्लेट्यू एंड द पेनिनसुलर कोस्ट। तो ये सब क्या है, इंडिया के फिजिकल डिवीजन है ना। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द डिजायर टू कंट्रोल द रिवर्स एंड लैंड लीड टू मेनी वार्स। मिडिवल पीरियड में जितने भी राजा थे, जितने भी किंग्स थे, मीन्स या किंगडम्स थे, वो चाहते थे कि जो भी रिवर्स है या फिर लैंड है उसको हम जो है कंट्रोल कर लें, मतलब ये इम्पोर्टेंट होता था ना। तो कोई भी किंगडम चाहता था कि भाई कोई जो लैंड है या फिर रिवर है उसको हम अपने किंगडम में या जो है मिला लें, और इसकी वजह से कई सारे क्या होते थे, वार्स होते थे, बहुत सारे वार्स हुए बिटवीन वेरियस किंगडम्स, जो किंगडम्स थे, जो डायनेस्टीज थी, उनमें बराबर जो है युद्ध होते रहते थे। द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो लीड टू कन्फ्लिक्ट एज दे वेयर द मेन पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग। फिर जो कॉस्ट होते थे, मतलब जो किसी भी कंट्री का जो कॉस्ट लाइन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जो दूसरे देशों के लोग जो आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो पहले जो भी आते थे वो समुद्र के रास्ते आते थे, तो कॉस्ट जो होता था काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। तो कोई भी किंगडम चाहता था कि भाई उस कॉस्ट को हम अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि ट्रेडिंग पे मेरा जो है मोनोपोली बन जाए, और इसलिए भी जो है बराबर युद्ध होता रहता था। द विंध्यास एंड सतपुराज माउंटेन चेक द मूवमेंट ऑफ द तुर्क्स इन द डेकन रीजन। इन राजस्थान द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेंस फोर्ट्स इन जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ एट्सेट्रा बिकेम ग्रेट मीन्स ऑफ डिफेंस फॉर किंगडम्स देयर। तो जो भी युद्ध होते थे, बराबर हमले होते रहते थे, इसलिए जो भी किंगडम्स थे उन वे लोग क्या करते थे कि अपने चारों ओर एक
मतलब एक इमेंस फोर्ट्स बनाते थे, मतलब किला बनाते थे, किस लिए? सेफ्टी के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान में द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इमेंस फोर्ट, जो बड़े बड़े फोर्ट बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, जैसे आज भी आप वो फोर्ट जो है देख सकते हैं, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, तो वो किस लिए बनाया गया था? वो किंगडम के डिफेंस के लिए बनाया गया था, सेफ्टी के लिए बनाया गया था। यहाँ इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा, द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन गुजरात, ये जो इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक स्टेप वेल है। स्टेप वेल मीन्स स्टूडेंट्स क्या हुआ, कुआं, ठीक है, और एक ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है, और उस सीढ़ियों के सहारे आप नीचे भी जा सकते हैं, फिर ऊपर भी आ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते थे, स्टेप वेल्स, ठीक है। तो गुजरात में इस तरह का स्टेप वेल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, द स्टेप वेल इन गुजरात। तो ये स्टेप वेल क्यों बनाया गया, ठीक है, तो वाटर के शॉर्टेज के लिए, जो शॉर्टेज होता था ना वाटर का, तो यहाँ पे इस स्टेप वेल में वाटर को स्टॉक किया जाता था। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन गुजरात एंड राजस्थान लीड टू द बिल्डिंग ऑफ ग्रेट बाउलीज एंड स्टेप वेल, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती थी, तो इस तरह का स्टेप वेल बनाया गया था, है ना, तो जो रेन वाटर होता है वहाँ उसमें स्टोर हो जाता था, और फिर जब शॉर्टेज होती थी तो उस वाटर का यूज़ लोग करते थे। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, देयर वाज ग्रेटर कॉन्टेक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ट्रेड लिंक्स। इंडिया के लोगों का और वर्ल्ड के और भी जो लोग थे उनके बीच एक अच्छा ट्रेड लिंक था, ठीक है। मिडिवल पीरियड में क्या था कि देयर वाज ग्रेटर कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ट्रेड लिंक्स। इंडिया बोरोड मेनी ट्रेडिशंस फ्रॉम कल्चर ऑफ दिस पीपल्स। तो इंडिया का वर्ल्ड के दूसरे जो पार्ट्स थे वहाँ के साथ अच्छा लिंक था, तो दूसरे देशों के लोग भी इंडिया आते थे, ठीक है, तो इंडिया आते थे तो उनके साथ उनका कल्चर और ट्रेडिशन भी आता था, तो इंडिया ने दूसरे देशों के लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन को क्या किया, अडॉप्ट किया, अपना लिया, ठीक है। आज जो हम लोग इंडिया में जो कल्चर देख रहे हैं वो एक तरह से मिक्स्ड कल्चर है, ठीक है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमने दूसरे देशों से सीखी है ना, और इंडिया से भी दूसरे देशों के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। द इन्वेजन ऑफ द इन्वेजन बाई मुस्लिम्स लीड टू द ग्रोथ ऑफ ए मिक्स्ड कल्चर इन इंडिया। इसके बाद जो मुस्लिम्स इंडिया में आए, ठीक है, तो इंडिया में जब मुस्लिम आए तो वो अपने साथ अपना कल्चर ट्रेडिशन भी लेकर के आए, तो यही वजह है कि आज इंडिया में जो है मिक्स्ड कल्चर ग्रोथ हो गया है, मिक्स्ड कल्चर का ग्रोथ हो गया, यानी कि इंडिया का जो कल्चर है वो प्योर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ इस्लामिक कल्चर या फिर दूसरे देशों से जो लोग आए उनका जो कल्चर है वो क्या हो गया, मिक्सडअप हो गया। देर वॉज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड इंडियन कल्चर डेवलप्ड विच वॉज एवब रीजनल एंड कास्ट डिफरेंसेस। इंडियन जो कल्चर है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि ये रीजनल और कास्ट डिफरेंसेस से काफ़ी ऊपर है। मुस्लिम डायनेस्टीज प्रोवाइडेड ए स्टेबल रूल टू द कंट्री। मुस्लिम डायनेस्टीज ने इंडिया में काफ़ी स्टेबल रूल किया। दे लीड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लेटर मिडिवल पीरियड में जब मुस्लिम्स यहाँ आए, ठीक है, आए तो थे वो एक हमलावर के रूप में, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद वो यहाँ मतलब अपना शासन कर बैठे। इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, यहाँ वो शासन करने लगे और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ एक स्टेबल रूल उन्होंने प्रोवाइड किया। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड का और ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुआ, मतलब मुस्लिम डायनेस्टीज के टाइम में, ठीक है, ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुआ और काफ़ी तेजी से यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है हुआ था, ठीक है। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। और इसी टाइम में इंडिया में इस्लाम डेवलप हुआ, इस्लाम फैला, ठीक है, इस्लाम जो रिलीजन है वो इसी मिडिवल पीरियड में, जब मुस्लिम आए तो वे अपने साथ अपना जो रिलीजन था वो भी लेकर के आए, ठीक है, और यहाँ उन्होंने अपने रिलीजन का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ भी जो है इस्लाम जो है फैलने लगा। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड
एंड काइंडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए, तो भक्ति और सूफी मूवमेंट क्या था, इसमें गॉड के प्रति डिवोशन के मैसेज को फैलाया गया है ना, यानी इसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। लोगों ईश्वर की जो के प्रति जो डिवोशन है उसके मैसेज को फैलाया गया कि मतलब आप ईश्वर को के प्रति भक्ति रखिए तो जो भी होगा बेटर होगा, है ना। एंड काइंडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स, और सारे ह्यूमन बींग्स के प्रति, सारे मनुष्य के प्रति, मानव के प्रति हमें क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। इस तरह का मैसेज जो है भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के दौरान क्या हो किया गया, फैलाया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो ये पूरे 7th क्लास में हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि मेडिवल पीरियड है क्या और इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये मेडिवल पीरियड के बारे में ही हमें पूरे सिलेबस में स्टडी करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।